हाय गाइस, हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टडी लैब पर आप सबका स्वागत है। एंड आज के इस 10 मिनट्स शो आता है हमारा लेटर एनालॉजी, ठीक। तीसरा आता है हमारा लेटर क्लासिफिकेशन, एंड चौथा आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। अब ये चार टॉपिक्स हैं, चारों के चारों टॉपिक्स आपके कंप्लीटली बेस्ड होते हैं लेटर्स पर। अब ये लेटर्स पर बेस्ड होते हैं तो लेटर्स से रिलेटेड दो चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए जब कभी भी हम बात करते हैं इन चारों टॉपिक्स की। पहली चीज होती है लेटर्स की प्लेस वैल्यू, दूसरी चीज होती है लेटर्स के ऑपोजिट्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज प्लेस वैल्यू, द सेकंड थिंग इज ऑपोजिट्स। तो अब ये दोनों ही चीजें प्रॉपर ट्रिक्स के फॉर्मेट में मैं अगले 10 मिनट में आपको याद कराने वाली हूं आज के इस 10 मिनट शो में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए बेहतरीन सी ट्रिक्स लेके आई हूं, जिस किसी ने भी अगर इस 10 मिनट के सेशन को पूरा एंड तक अच्छे से देखा, आई कैन गारंटी कि आप लोग हर हाल में सेशन के एंड में अगले 10 मिनट बाद सारे ही लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड ऑपोजिट्स दोनों याद रहेंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं हम लोगों के पास प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स को सिर्फ इजोती से याद करते हैं, ई जे ओ टी वाई, इजोती, ई जे ओ टी वाई, पांच के मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, 25। इजोती क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25 ही हमारी प्लेस वैल्यूज होती है। और कुछ स्टूडेंट्स इसके अगल बगल की प्लेस वैल्यू सिर्फ ये याद करेंगे, अगल बगल की प्लेस वैल्यू सोच के याद कर लेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम आपको पूरी चीज लिख के बताएंगे, अच्छे से याद कराएंगे। हमने बचपन से, देखो मैं एक एक चीज लिख दे रही हूं, ए बी सी डी ई, हमने देखो बचपन में ए बी सी डी, सबसे पहले एक चीज समझिएगा, हमारे पास चार ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे पास चार ऑप्शंस आते हैं, क्या होता है एबीसीडी, एबीसीडी होते हैं चार ऑप्शन, तो 1, 2, 3, 4 तो हो गई एबीसीडी की वैल्यू, एबीसीडी की वैल्यू हो गई 1, 2, 3, 4। फिर ई एफ जी एच, मैं पूरा लिख के बताऊंगी, आई जे के एल एम एन O P Q R S T U V W X Y Z, सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू। चलिए समझिएगा, अभी हमने क्या देखा, A B C D तक देख लिया। इजोती अभी मैंने आपको बताया था, E ज्योति क्या वैल्यूज है, E की प्लेस वैल्यू 5, J की 10, 5, 10, O 15, फिर T 20 एंड 25, Y 25। E ज्योति भी याद कर लिया, इजोती भी डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक वर्ड के संग आगे बढ़ते हैं। F, F से एक वर्ड बनता है फिक्स, ठीक है। चलिए, F से एक वर्ड बनता है फिक्स, ठीक है। और फिक्स किससे राइम करता है, सिक्स से। तो F से जो वर्ड बनता है फिक्स, सिक्स राइम करता है उससे, तो F की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, F की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी सिक्स, ठीक है। ई एफ तक हमने डन कर लिया। F के बाद आता है G, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, कैसे याद करना है, G 7 नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो G की प्लेस वैल्यू हो गई 7। फिर आता है H, H से एक वर्ड बनता है हेट, हेट, हेट की राइमिंग किससे आ रही है, हेट वर्ड से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा एक दूसरा वर्ड निकल के आ रहा है, 8, हेट से कौन सा वर्ड निकल के आ रहा है, 8, तो हेट की प्लेस वैल्यू, H की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 8, H हो गया। H के बाद आता है I, I के संग एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेस वैल्यूज आती हैं, आपने जवाब क्या दिया, आई नो, कुछ ने जवाब दिया आई डोंट नो, आई नो, आई के संग एक वर्ड यूज होता है नो, तो नो हमारा राइम करता है नो से, तो आई की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी नो, ठीक है। आई हो गया, इजोति से जे याद कर ही लिया था, फिर जे के बाद आता है के, जे के बाद आता है के, और के से एक टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब, के की प्लेस वैल्यू है 11, कैसे याद किया, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, आईपीएल की टीम है किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा जिसकी ओनर है किंग्स 11 पंजाब, इससे हमने याद कर लिया के की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है। के बाद आता है एल, एल से एक शब्द आता है प्यार, एल से एक वर्ड बनता है लव, एल से एक वर्ड बनता है लव, लव यानी कि प्यार, और मेरा मानना है कि एल से लव यानी कि अगर प्यार में कोई पड़ा तो उसके 12 बजना तय है, उस इंसान के 12 बज जाएंगे, तो एल की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, एल की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 12, ठीक है, एल हो गया। एल के बाद आता है हमारा एम, एम, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, कैसे याद करना है, ट्रिक याद करने की, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, एम 13, मैं 13, ओके, एम की प्लेस वैल्यू डन है, आई जे के एल एम तक हो गया। एम के बाद आता है हमारा एन, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14, 14 कैसे याद करना है, 14th November, 14th November, क्यों 14th November, चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर वाले दिन, होता है ना, तो चिल्ड्रंस डे हो गया हमारा 14th November, 14N हो गया हमारा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एन के बाद आता है ओ, फिर पी,
आपने ABCDEFGHIJKL ABCDEFG ऐसे करके एक गाना भी था जिसको हमने याद किया था, HIJKLMNOP OP हमेशा साथ में यूज होता है। OP का एक वर्ड भी बनता है ओवर पार, जिसे आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह OP का मतलब होता है ओवर पार, तो OP साथ में यूज होता है। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, हमने याद किया था ज्योति से। O और P हमने लगातार याद कर लिया 15-16, और पी हमने लगातार याद कर लिया 15-16, ठीक है। पी के बाद आता है हमारा क्यू, क्यू से बनता है एक वर्ड खतरा, 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 और खतरा राइम करता है किससे, 17, खतरा राइम करता है किससे, 17, क्यू हो गया। क्यू के बाद आता है हमारा आर, आर यानी कि अधिकार, राइट, वोट करने का अधिकार आपको मिलता है कब, 18 साल की उम्र में। तो आर की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 18, क्यों हो गई, क्योंकि आपको वोट करने का जो हक है, वोट करने का जो अधिकार है, जो राइट टू वोट है, वो हमको मिलता है 18 साल में, तो 18 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 18 के बाद आता है आपका एस की प्लेस वैल्यू 19, एस 19, राइम सुनिए आप, 19, स स स स स, एस स्पेंड हो रहा है, काफी सारे एस स्पेंड हो रहा है, तो 19 किसकी प्लेस वैल्यू हो गई, एस की, ठीक है। एस के बाद आता है हमारा टी, टी 20 मैचेस, ज्योति से भी याद किया था टी की वैल्यू 20, बाकी टी 20 क्रिकेट मैचेस से भी हमने याद कर लिया, 20 हो गया। टी के बाद आता है यूवी, टी के बाद आता है यूवी यानी कि युवराज सिंह, यूवी, युवराज सिंह को का एक शॉर्ट फॉर्म में यूवी बुलाते थे उनको, पूरे इंडिया में वो यूवी के नाम से मशहूर थे। तो यूवी यानी कि युवराज सिंह ने 21-22 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तो 21-22 हो गई युवराज सिंह की प्लेस वैल्यू, यूवी हो गया हमारा 21-22, ठीक है। 21-22 के बाद आता है हमारा डब्ल्यू, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है 23, कैसे याद करना है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू को जरा घुमा दो, घुमा दो तो ये ऐसे डब्ल्यू बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 3 तो हो नहीं सकती, 13 भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं 13 था, तो W की प्लेस वैल्यू हो गई 23। X हमारा बनता है 4 छोटी छोटी डंडियों से, तो X की प्लेस वैल्यू हो गई 24। Y की ऑलरेडी ज्योति से पता थी 25, और 26 हमारा आखिरी लेटर है, और 26 ही लेटर होते हैं Z, तो Z की प्लेस वैल्यू हो गई हमारी 26। तो ABC A से लेकर Z तक की प्लेस वैल्यूज हमने डन कर ली, A से लेके प्लेस तक की, A से लेके 10 तक की प्लेस वैल्यूज हमने डन कर ली ना, A से लेके Z तक की डन है सारी, 1 से लेके 26 सबको समझ में आ गया, तो सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखो कि यस मैम समझ में आ गया। अब चलते हैं ऑपोजिट पे, ऑपोजिट लेटर्स पे आते हैं। ऑपोजिट लेटर्स एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ऑपोजिट लेटर आइए मैं लिख देती हूं, ABCDEFG HIJKLM। अब ये ना सोचना NOP यहां से लिखेंगे, M का ऑपोजिट NOPQRSTUVWXYZ ये हैं ऑपोजिट्स। एक चीज याद रखिएगा, ऑपोजिट की जो प्लेस वैल्यूज का सम होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे एक ऑपोजिट Z होता है, A की प्लेस वैल्यू 1, Z की 26, दोनों का सम कितना आ गया 27, हमेशा याद रखिएगा। अब याद करते हैं ट्रिक्स के थ्रू, कैसे A का ऑपोजिट Z कैसे याद करना है। A का ऑपोजिट Z हमने याद किया आजाद, या फिर इसको हम आजादी से भी याद कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस चीज से भी याद कर सकते हैं, A to Z सब आता है। एक फ्रेज है इंग्लिश में, A to Z सब आता है। नॉर्मली भी हम बोलते हैं A to Z मुझे सब आता है, A to Z आता है, मुझे सब आता है, तो A to Z A का ऑपोजिट Z, ठीक। B का ऑपोजिट Y, याद करने का तरीका बाय या फिर बॉय से याद कर लीजिए। C का ऑपोजिट X, कैसे याद किया, क्रक्स या फिर क्रैक्स, क्रैक्स की नमकीन आती है, क्रैक्स की आपकी बहुत सारी नमकीन आती है, क्रैक्स के कर्ल्स आते हैं, नटखट और ये सब काफी कुछ, जिस तरीके की नमकीन आती है कर्ल्स मतलब रिंग्स आते हैं क्रैक्स की, गोल गोल उंगलियों में फंसाओ एंड देन खाओ, छोटे बच्चों को अक्सर देखा है मैंने खाते हुए, इवन मैंने भी कई बार खाया है, क्रैक्स की नमकीन आती। सी का ऑपोजिट X हो गया हमारा। डी का ऑपोजिट होता है W, कैसे याद किया, ड्यू, माउंटेन ड्यू वाले ड्यू से याद कर सकते हैं, आप इसे इससे भी याद कर सकते हैं, दूध वाला, दूध वाला से भी याद कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। ई का ऑपोजिट होता है वी, इवनिंग से याद कर सकते हैं, या फिर ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी याद कर सकते हैं, आजकल ईवी चल रही है काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इससे भी याद कर सकते हैं हम। एफ यू, एफ का ऑपोजिट यू होता है फन, फन से याद किया, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अरे ये सवाल है इसको तो हम फूक के उड़ा देंगे, फूक के उड़ा देंगे, फूक के उड़ा देंगे, तो फूक के उड़ा देंगे से भी हमने याद कर लिया। F का ऑपोजिट यू GT, GT को हम कैसे याद कर सकते हैं, गोट, ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स, फिर GT रोड से भी हम याद कर सकते हैं इसको, G का ऑपोजिट T, ठीक है।
फिर आ जाते हैं एच एस, एच का ऑपोजिट एस कैसे याद कर सकते हैं, हम सब से याद कर सकते हैं, हाई स्कूल से याद कर सकते हैं और हनी सिंह से भी याद कर सकते हैं, एच का ऑपोजिट एस। आई का ऑपोजिट आर, सबसे सिंपल, इंडियन रेलवे। जे का ऑपोजिट क्यू, जंगल क्वीन या फिर जैक्यूलिन। जैक्यूलिन की स्पेलिंग में अक्सर गड़बड़ी करोगे तो जंगल क्वीन याद कर लीजिए, जंगल क्वीन। जे का ऑपोजिट क्यू, के का ऑपोजिट पी। इसको याद करने के 7 तरीके तो मैं आपको बता दे रही हूं, 8 तरीके एक्चुअली। सबसे पहला तरीका कमला पसंद, फिर कमला पसंद कानपुर, केविन पीटरसन, कायरन पोलार्ड, पीके मूवी, कुर्ता पैजामा एंड काला पानी एंड किंग्स 11 पंजाब। 7-8 तरीके बताए मैंने आपको, 8 तरीके, 8 में से कोई भी तरीका आप उठा लो, कमला पसंद, कुर्ता पैजामा, कानपुर, काला पानी की सजा जो होती थी, पीके मूवी, कुछ से भी आप याद कर लो, के का ऑपोजिट पी हमेशा होगा। के बाद आता है एल ओ, एल ओ लव का एक शब्द बनता है लव। एल का ऑपोजिट ओ और वी का ऑपोजिट ई, हमें इसमें दोनों ही मिल जाते हैं, एल का ऑपोजिट ओ बनता है हमारा लव से। एंड एम का ऑपोजिट एन बनता है मन्नत, मान, मन, मैन, किसी भी चीज से आप बना लीजिए, एम का ऑपोजिट आपका एन बन जाता है, मंजिल, किसी भी चीज से आपका एम का ऑपोजिट एन बन जाएगा। तो ये थे हमारे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज एंड सभी लेटर्स के ऑपोजिट। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग को ये ट्रिक्स कैसे लगी 10 मिनट के इस शो में। कल अब मैं लेके आऊंगी आप सबके लिए लेटर सीरीज के क्वेश्चंस और उनको करने की ट्रिक्स इन्हीं पर बेस्ड, ठीक है? तो जरूर याद रखिएगा, कल फिर से हमारी मुलाकात होगी 10 बजे, और अब हमारी क्लास होने वाली है 10:30 बजे स्टडी लैब पर, हमारी डेली 10 बजे होती है। इसके बाद 10:30 बजे हमारी होती है लैब पर, 10 बजे से लेके 10:10 या 10:15 तक हमारा चलता है या 10 मिनट का शो, और 10:30 बजे मेरी मुलाकात होती है आपसे कंप्लीट एसएससी जीडी के रीजनिंग के मॉक टेस्ट के फॉर्म में। उसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, ध्यान से जल्दी से सब लोग 10:30 बजे वाली क्लास अटेंड कर लें। एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।